नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्नाटक का किंग कौन। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और अगले एक घंटे तक बात कर्नाटक की होगी। लेकिन याद रखिए, कर्नाटक में भी बात 2019 की हो रही है। नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, मुख्यमंत्री चुनने गए हैं राहुल गांधी या फिर खुद पीएम की दावेदारी ठोकने। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बाल्टी वाली लाइन की बात कर रहे हैं, बाल्टी रखकर क्या होने वाला है कांग्रेस पार्टी में, कौन बनने वाला है पीएम, इन सब पर चर्चा होगी। क्या कह रहे हैं पोल ऑफ पोल्स, यानी कई पोल्स मिलाकर हम आपको दिखाएंगे कि किसकी बनती हुई दिख रही है सरकार, कौन सी पार्टी सबसे आगे, और अगर कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं पाती है तो कौन सी दो पार्टियां हैं जो नजरें मिला भी रही हैं और तरेर भी रही हैं एक दूसरे की तरफ। यह है दिलचस्प राजनीति हिंदुस्तान की, जो 2019 के मुहाने पर खड़ी है। लेकिन उससे पहले कर्नाटक में सियासी घमासान जुबानी जंग के जरिए सुनिए। I will meet you after the 2019 election and I will see whether my political understanding means anything or has any value. I am pretty confident that if we get everybody together and the Congress is able to act as a platform, the BJP doesn't stand a chance. The question in my mind is, what does that government look like that has so many different partners? But I'm pretty convinced that Mr. Modi is not going to be the Prime Minister. I can see it in his face. He knows it. Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes. अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया, बाकी कतार का जो होगा सो होगा, बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा। 40 साल से सीनियर नेता पड़े हैं, उनका जो होशा होगा, उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इस प्रकार से स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर देना, ये अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा है उसका सबूत है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी लगातार 25-30 चुनाव हार चुकी है, एक के बाद एक राज्य उसके हाथ से गए हैं, लेकिन उनका अहंकार देखो, ये नामदार का अहंकार सातवें आसमान पर है कि वो यहां आकर के प्रधानमंत्री बन जाऊंगा 2019 में, ये अहंकार नहीं है तो क्या है? ये अहंकारी कांग्रेस, ये अहंकारे नामदार नए कांग्रेस दिलवाली है, न ये कांग्रेस दलितों वाली है, ये कांग्रेस पार्टी तो डील वाली है, डील। सियासी घमासान के पीछे एक जंग देश की जनता भी लड़ती है, और वो जंग ये है कि कैसे निर्णय लिया जाए। लेकिन क्या निर्णय वो ले सकती है, ये पोल्स के जरिए जांचने की चुनौती होती है तमाम एजेंसीज की। और ऐसे ही चार पोल अब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तालियां बजा लीजिए हमारे साथ, क्योंकि जनता यहां पर मौजूद है जो अपने सवाल दागेगी। जीवीएल नरसिम्हा राव, जीवीएल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रागिनी नायक इस टक्कर में शामिल हो रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दोनों जबरदस्त वक्ता हैं और चुनाव की अच्छी समझ रखते हैं। ऐसे में क्या होते हैं इनके बयान और क्या होती है इनकी दलीलें, उस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले वक्त है पोल्स देखने का। चार पोल हम आपको दिखाएंगे जिससे तस्वीर साफ होती है। सबसे रीसेंट जो पोल है वो हम आपको बता रहे हैं एबीपी की है, लेकिन उससे पहले C4 का ये पोल देख लीजिए। एकमात्र पोल जो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राहुल गांधी इसलिए आपको खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक रहे हैं कर्नाटक के बहाने। बहरहाल 118 से 128 क्लियर मैंडेट, 112 है जादुई आंकड़ा, याद रखिए। और ये अगर कांग्रेस पार्टी को मिल जाए तो वो निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा, अब जो हमारा सर्वे है वो हम आपको दिखा रहे हैं, 90 से 101। और अगर ऐसा होता है तो जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आपकी पार्टी तो ये महारत हासिल रखती है कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तब भी सरकार बना लेती है। मैं आऊंगी आपके पास, अभी तो बहुत कुछ आपको बोलना है और इनको भी। लेकिन यहां पर अगर हो रहा है तो जेडीएस और बीजेपी की फ्लर्टिंग की बात बहुत कर रही है कांग्रेस पार्टी, और शायद ऐसी परिस्थिति में मिलके
बना ले सरकार, सेक्युलर का फिर क्या होगा पता नहीं, जेडीएस में एस सेक्युलर के लिए। बहरहाल अगला जो हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। अन्य दो सर्वे भी जो हैं वो जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिससे आप तस्वीर समझ पाएंगे। ये देखिए टाइम्स नाउ का आंकड़ा, ये 91 दे रहा है, यानी लगभग 20 कम बहुमत से कांग्रेस के लिए, और ऐसे में सिर्फ 2 का फासला है बीजेपी के साथ, तो 40। कुमारस्वामी को आप क्यों देख रहे हैं हंसते हुए, क्योंकि वो कर्नाटक का किंग कौन तो छोड़ दीजिए, किंग मेकर बन जाएंगे। और अगर आपको याद हो तो देवेगौड़ा जी ऐसी ही परिस्थितियों में कैसे देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, ये कला उन्हें भी अच्छी तरह से ये हुनर मालूम है। और ये सब अप्रैल के सर्वे हैं। अब हम आपको मई का जो लेटेस्ट सर्वे है वो एक दिखा देते हैं। ये है एबीपी का, ये 97। थोड़ी कांग्रेस की स्थिति बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, ये कहेंगी कुछ और, ये कहेंगे कुछ और, लेकिन इन सब के बीच 84 पर अटकती हुई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये भी बहुमत से पीछे। तो ऐसे में अगर 84 और 37 मिल गए तो क्या होगा, बहुमत, और बहुमत होने के बाद बन जाएगी इनकी सरकार। अब बात जरा नतीजों की करते हैं। इससे पहले कि हम चर्चा करें, सब ये जानते हैं कि 2013 और 2014, 2013 में यहाँ विधानसभा, इसको जरा करीब से देखिए, इसलिए हमने आपके लिए ये आंकड़ा बनाया है कि इससे आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। 2013 में क्या हुए थे विधानसभा चुनाव, 2014 में लोकसभा, पलट गई थी पूरी तरह से तस्वीर। एक ही साल पहले सिद्धारमैया की कांग्रेस के साथ सरकार बनी थी, लेकिन 2014 में जब चुनाव हुए, अगर वही परिस्थिति आज रहती है तो 132 सीटों पर बीजेपी आगे रहती और 132 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती। उस वक्त मोदी की लहर, आंधी कह लीजिए, तूफान कह लीजिए, आजकल तूफान का फैशन चला हुआ है देश में, तो बात तूफान की ही कर लेते हैं, अगर वो तूफान बरकरार रहे तो जबरदस्त होता। और 43% स्विंग बीजेपी के लिए 2014 में, तो वो स्पष्ट बहुमत के साथ, ये 43% वोट शेयर था जो हम आपको बता रहे हैं, यानी एक जबरदस्त तरीके से बीजेपी 2013 से 2014 में मोदी के नाम पर तूफान लाकर जबरदस्त तरीके से बदलाव लाने की स्थिति में। लेकिन यही बात है कि ये जो 4 साल गुजरे हैं साहब, क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है, इसी पर अब दागते हैं सवाल। लिंगायत ये कहते रहे कि कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है, ये कह रहे हैं कि पुरानी मांग है लिंगायत की, इसलिए हम आपके को पाले में डाल चुके हैं, केंद्र को फैसला लिंगायत पर क्या परिस्थिति हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब कर लेते हैं पहले चर्चा की शुरुआत, और जनता बहुत देर से हमारे साथ है, मुझे पता है आप लोग भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो तीखे सवाल तैयार रखिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, ये लिंगायत वाला हम आपको दिखा रहे हैं कि टिकट किसने कितना। अब आपको एक फैक्ट और बता देते हैं, लिंगायत पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ रहे, वोकलिंगास जेटीएस के साथ, और तीसरी तरफ जो ओबीसी है वो कांग्रेस के साथ रहे। दलित और एससी एसटी किस तरह से वोट करते हैं इस पर नजर रहेगी। इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहिए, अच्छा कहिए, बुरा कहिए, लेकिन यही भारतीय राजनीति है, जाति के आधार पर वोट पड़ता है और वही कर्नाटक में अक्सर देखा गया है। लेकिन कितने टिकट दिए हैं, 68 दिए हैं लिंगायत समुदाय के बीजेपी ने और कांग्रेस ने 49। लिंगायत को बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती है इनके लिए, क्योंकि 2 से 3 पर 17% वो है, लगभग 60 सीटों पर निर्णायक है। अगर लिंगायत निकल गए हाथ से, 3 से 4% भी निकल गए और कांग्रेस की तरफ चले गए, तो इनके लिए परिस्थिति खराब हो सकती है और इनके लिए हो सकता है बल्ले बल्ले। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, कला तो आप जानते हैं कि अगर बहुमत नहीं भी मिले तो कैसे सरकार बनाई जाती है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि ये 4 साल क्या ऐसी परिस्थिति हो गई कि जो मोदी लहर और तूफान हमने 2014 के लोकसभा चुनाव में देखा था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि पोल्स यही इशारा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी पोल्स ने ऐसे ही इशारा किया था। आप सब ने बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया, नोटबंदी के बाद सारे जनता नाखुश हैं, बीजेपी चुनाव हारने जा रही है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बीजेपी का जीत नहीं होगा। अंत में क्या हुआ, 325 सीटों से हम जीत गए। लोकसभा सीट नो, लोकसभा के परफॉर्मेंस को हमने रिपीट किया। 2014 में जो भाजपा की स्थिति थी कर्नाटक में, उससे हम आगे निकलने वाले हैं इस चुनाव में। आप लिख कर रखिए, 15 तारीख 132 हमारी लीड थी, उससे आगे निकलेंगे। आप लिख कर रखिए 15 तारीख को आप सब बात करेंगे। ये आप सारे मन बहलाने की काम है। हाँ। मीडिया में भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं, मैं भी आपके साथ कई बार नहीं अंजना जी। हाँ। मैंने भी विश्लेषण बहुत बार किया था बट, लेकिन अब हाल में देखिएगा जिस प्रकार के आंकलन हुए थे, सारे आंकने में गलत साबित हुए। त्रिपुरा में भी जिस प्रकार की प्रचंड जीत हमारी हुई, आंक नहीं पाए,
पंजाब में जो कांग्रेस की बड़ी जीत हुई उसको पोल्स आंक नहीं पाए, तो इसलिए मैं मानता हूं ये बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा में जिस प्रकार जनसमूह उभर कर आ रही है, जिस प्रकार उनके सर्वेस में जनता की रेस्पॉन्स है, मोदी जी के 2014 से हम आगे निकल गए। मोदी जी के भाषण से आपको लग रहा है कि जीतेंगे? नहीं, वो भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। दो फैक्टर जिसके बाद मैं रागिनी नायक के पास जाऊंगी। सबसे बड़े फैक्टर है लोग चाहते हैं शासन अच्छा हो, सुशासन हो। एक्चुअली कांग्रेस को सजा देना चाहती है, बिल्कुल। येदियुरप्पा में जनता को विश्वास है, ये आपको 15 तारीख को पता चलेगा। खाने दूंगा और उसके बाद सबसे भ्रष्ट जो लोग कर्नाटक में आइडेंटिफाइड हैं, उनको आप अपना चेहरा बना रहे, कमाल की बात है। अंजना जी कहां राहुल गांधी के खिलाफ? भाई साहब, मैंने सुना बहुत, मेरी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी जब सवाल करते हैं, राहुल गांधी 5,000 करोड़ हड़पने के मामले में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल दोनों आरोपी हैं। आज येदियुरप्पा पर कोई आरोप नहीं है। इनका फेवरेट टॉपिक है, लेकिन चुनाव कर्नाटक में है। इस देश की स्वतंत्रता की आवाज जो अखबार था उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, तो वो भी देंगे। आप राजनीतिक आरोप लगाना बंद करिए। अब मेरी बात सुनिए। 4 में से 3 में आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, मतलब डावाडोल है मामला। अंजना जी देखिए, आज सर्वे कुछ भी कह रहे हो, पोल कुछ भी कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे प्रमुख चेहरा है कर्नाटक में येदियुरप्पा जी, वो जनता के मन की बात जरूर भांप गए हैं। और इसीलिए याद करिएगा, उन्होंने कहा कि वोटर के हाथ पांव बांधकर उन्हें वोट देने के लिए लाना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए वोटर निकलकर नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप, मैं तो ये कहती हूं कि पोल्स को, सर्वेस को ब्रह्म सत्य ना माने, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से खारिज भी ना करें। जब इनके पक्ष में बात आती है गुजरात में, तो चहक चहक कर कह रहे थे, लेकिन दावा तब भी 150 का था और 99 के चक्कर में फंस गए थे, और यहां पर 132 कह रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि 32 से आगे निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ज्यादातर सर्वेस, सुनिए मैं बताती हूँ आपको, ज्यादातर सर्वे कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह दिखा रहे हैं। एक सर्वे ने कहा कि सरकार भी बनती हुई नजर आ रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप तो सेफोलॉजिस्ट हैं, 1% का भी अगर मार्जिन ऑफ एरर है, 1% का भी अगर स्विंग है, तो चारों सर्वे में तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी और कांग्रेस सरकार बनती हुई दिखाएगी। और मुझे इतना विश्वास क्यों है, क्योंकि विकास के नाम पर यदि कोई पार्टी चुनाव लड़ी है तो वो कांग्रेस लड़ी है। सबसे अच्छा पीडीएस सिस्टम कर्नाटक में है, सबसे अच्छा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कर्नाटक में है। बेंगलोर आज दुनिया का स्टार्टअप कैपिटल है, दुनिया गार्डन सिटी कहती है, नरेंद्र मोदी गार्बेज सिटी कहते हैं। मैं ये याद दिलाना चाहूंगी, 4 करोड़ लोगों को भूख मुक्त करने का काम कर्नाटक ने किया है, और इसी के साथ साथ 8,165 करोड़ रुपए का लोन किसानों का माफ किया है। जीवीएल, ये बताएं कि केंद्र सरकार ने कितने हजार करोड़ का माफ किया है। जब उद्योगपतियों की जेब भरने की बात आती है तो 2,70,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया जाता है। मरते हुए किसानों को बचाने की बात आती है तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। मरते हुए किसानों को बचाने के लिए मोदी सरकार की जेब में पैसा नहीं है, 10 लाख का सूट पहनने के लिए है। इस सरकार को कर्नाटक की जनता बाहर निकाल कर फेंकेगी, वहां से शुरुआत होगी। 2019 की भी चुनौती मैं आपको देती हूँ जीवेल जी, यहीं पर आकर आपके साथ बहस करूंगी। सुन लीजिए, अगर स्टूडियो में चुनाव जीते जाते तो कोई चुप नहीं होता। 11 सरकार आपने हवाले किए 2014 से, और कर्नाटक में 12वीं सरकार हमारे हवाले करने वाले 2019 की गर्त में भविष्य की चमक देखना बंद करिए। बदलाव की मयार बह रही है, ये जो जनता की तालियां बज रही है ना, ये आपको बाहर का रास्ता दिखा रही है। जी ठीक है, ठीक है, आपको ये आपको बाहर का रास्ता दिखा रही है। अच्छा, एक सेकंड अच्छा, राहुल गांधी वाला सवाल इनसे पूछूं या नहीं पूछूं? अंजना जी फेर नहीं है, पूछूं? जो सोचते हैं कि पीएमसीएम वाला सवाल जरूरी है और पूछना चाहिए, वो हाथ उठाइए। तो चलिए, जनता के डिमांड पर यह सवाल अंजना की तरफ से दूसरी बार आज तक के मंच पर। राहुल गांधी, राहुल गांधी रागिनी नायक जी, सीएम बनाने गए हैं या पीएम की दावेदारी ठोकने के पहुंचे हैं कर्नाटक? नौकरी बचाने के चक्कर में पीएम हमेशा मन की बात करते हैं, कहते थे पीएम हमेशा मन की बात करते हैं, यहाँ तो उनके दिल की बात बाहर निकल गई। काश किसी का उपहास उड़ाना जितना आसान होता, उतना आसान भाषणों से पेट भरना भी होता। वो नहीं है जीवीएल जी, जैसा सोनिया जी ने कहा, आप नहीं हो पाएगा, आपसे ना हो पाएगा। अब जवाब आप जवाब सुनिए, जवाब सुनिए और भाषण देना भी नहीं चाहते। कर्नाटक भारत का हिस्सा है, कर्नाटक में जो चुनाव हो रहा है वहां से कांग्रेस पार्टी की जीत का बिगुल बजना शुरू होगा, पहली बात।
दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी जितना अच्छा करेगी उसके हिसाब से प्रधानमंत्री निर्धारित होगा। अगर कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इसमें क्या आश्चर्यजनक बात हो गई? मैं याद दिलाना चाहूंगी, ऐसा ही उपहास सोनिया गांधी जी का उन्होंने उड़ाया था जब 20 साल पहले उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली, 3 प्रदेश में सरकार थी, 19 प्रदेश में सरकार बना के दिखाई, 2 दशक तक दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर दिखाया। अटल कब से कब तक? अटल माफ कीजिए, एक दशक दो टर्म। अटल अडवाणी युग था। आप कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं पाएगा, वो करके दिखाया। इसलिए इतिहास से कुछ सबक लीजिए, अपनी पीठ थपथपाना बंद कीजिए, दूसरों का उपहास उड़ाना बंद कीजिए, और जो कथनी और करनी के बीच की खाई बना रहे हैं ना, उसे कम करना दूर कीजिए। मैं ये आज इस शो पर कह के जा रही हूँ, 2019 में सत्ता परिवर्तन तय है और राहुल गांधी जी कांग्रेस की समावेशी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा और समर्थक दलों की विचारधारा की जीत निश्चित है। रागिनी जी, मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी में इतनी अच्छी वक्ता है आपकी तरह, लेकिन ये सब चाहते हैं कि सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट करना रह जाइए। आप जैसे लोगों को भी कभी मौका मिले आपकी पार्टी में, परिवार, आप जैसे लोगों को एक परिवार में जवाब दे लीजिए, मिले आपकी पार्टी में। अंजना जी, नहीं अब एक परिवार में तो जवाब दे लीजिए, लगातार बोल रही है, देखिए ठीक नहीं है, फेयर नहीं है। दूसरी बात, 1 सेकंड, 30 सेकंड दे दीजिए बस, परिवार आपने बोला तो एक जवाब दे। नहीं, उपहास करार करके आप लोग भी मोदी जी से बहुत सीख रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेलने लगे हैं। कांग्रेस उपहास नहीं उड़ा रहे भाई, कांग्रेस ने मौका दिया इसीलिए तो यहां खड़े हूं। अंजना जी बोलते ना दो शब्द, सिद्धारमैया जी के बारे में नहीं बोल रहे, अपने बारे में बोल रहे। सवाल कौन पूछेगा? हाथ उठाइए जल्दी से, आइए पूछिए जल्दी से एक सवाल, ब्रेक का भी वक्त। मैं ये सर से पूछना चाहूंगी कि आजकल मोदी जी के भाषण की बड़ी चर्चा है, सब जगह मोदी जी का भाषण सबको बहुत पसंद आता है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमें ऐसी कौन सी क्लास में एडमिशन लेना चाहिए, मोदी जी ने ऐसे कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था कि उन्हें इतना अच्छा भाषण देना आया कि आगे चलकर हम भी कभी प्राइम मिनिस्टर बन सके और उनके जैसे नेता बन सके, तो ऐसी कौन सी क्लास में हमें एडमिशन लेना चाहिए? ये तो सर, ये तो लॉलीपॉप थमा, इन्होंने सख्त सवाल ही नहीं पूछा। नहीं नहीं ठीक है, अरे वो तंज को समझिए, तंज को समझिए, जवाब तो दे लीजिए। ठीक है जी, अब देखिए उसका नाम है जुमले की पाठशाला, ब्रेक का वक्त हो रहा है, जुमले की पाठशाला। नेता भाषण से नहीं बनते, रागिनी जी भी बहुत अच्छे भाषण दे रही है, बनने नहीं देंगे नेता, केवल भाषण से नेता बनते नहीं है, कर्म से बनते हैं, कर्म से बनते हैं। मोदी जी जो परिश्रम किए हैं, जो योगी की तरह काम किए हैं, नेता जुमलेबाजी से बनते हैं, उनका परिश्रम केवल भाषण नहीं। ब्रेक के बाद हम जो तमाम मुद्दे लिंगायत से लेकर अन्य उठाए जा रहे हैं, उसके ग्राफिक्स, उसकी आंकड़े और फिर जनता के सवाल, बने रहिए, क्योंकि जीवीएल नरसिम्हा राव वर्सेस रागिनी नायक, एक चुनाव वहां एक चुनाव। हिंदुस्तान में राजनीति को देखने का जो नजरिया है वो बहुत दिलचस्प है, चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े 5-स्टार होटल में। अगर नब्ज में कुछ जिंदा दौड़ता है तो वो राजनीति है हिंदुस्तानियों की, और जबरदस्त समझ होती है बिहार, यूपी से लेकर कर्नाटक, दक्षिण भारत, गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक, और इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम 6:30 में, हम चाह रहे कि अब लिंगायत वाली बात 6:30 पे शुरू करते हैं, क्यों? अभी चूंकि बहुत दिलचस्प मोड़ पर है, राहुल गांधी पर एक सवाल पूछा था, अब नरेंद्र मोदी पर पूछ लो, हाथ उठा दीजिए। ये जो मोदी जी बाल्टी की बात कर रहे हैं, पानी तो सब भरना चाहते हैं अपनी अपनी बाल्टी में सर, लेकिन ये तो पार्टी नहीं है ना, ये तो परिवार है, ये परिवार कंपनी है, तो इसलिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो किसी पार्टी के नेता यदि आप बनते हैं, प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते हैं, उसके लिए कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो होना चाहिए। ये खुद ही अपनी घोषणा कर रहे हैं, मैं ही अध्यक्ष बनूंगा, मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, जो हम कांग्रेस के लिए जो कहते हैं, राहुल गांधी आज वही बात कह के उसको एक्चुअली उनको पुष्टि किया है, क्योंकि कोई इस पार्टी में कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया तक नहीं है। अरे मुख्यमंत्री तो सिद्धारमैया बनेंगे ना, वहां क्या राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी क्यों बता रहे हैं मैं पीएम बनूंगा? कौन बना रहा है इनको, कौन बना रहा है राहुल गांधी को पीएम? केवल अपनी नौकरी से, नौकरी को बचाने के लिए। मैं आपको एक उनकी नौकरी तो सुरक्षित है, देखिए 11 राज्य 2014 से अब तक कांग्रेस पार्टी ने 13 सरकारें खोया है, छोटी बात नहीं है, उसमें 11 सरकार हमारे हवाले किए, 12वीं अभी 12 तारीख को करने वाले हैं, तो उसके बाद
उसके बाद उन पर सवाल उठेंगे। सलमान खुर्शीद ने हाल ही में सवाल उठा दिया, ये क्या एकतरफा मंच दे रही है जी, मुझे जवाब देने का उनको परिवार से ही चुनना पड़ता है, इसलिए इससे बेटर बहन है, इनसे बेटर मामा जी है, ताता जी है, ताऊ है, वही बेटर होगा ना। तो वो सवाल से बचने के लिए राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 75 अध्यक्ष हुए, 5 गांधी नेहरू परिवार से हुए। एक परिवार गांधी नेहरू परिवार है जिसने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, सर पे लाठियां खाई, जेल गए। दूसरा संघ परिवार है, एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए जल्दी से। दूसरा संघ परिवार है जिसने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी दी, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत की, जिसने 52 साल तक तिरंगे का तिरस्कार किया। संघ परिवार से कांग्रेस का गांधी परिवार बहुत ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात में एक आपने इतना बड़ा मंच दिया अंजना जी, जवाब तो मुझे देने दीजिए। देखो राहुल जी वहां गए हैं कर्नाटका में, वहां कहते मैं पीएम बन जाऊंगा, तो मैडम ये किस बेस पे कह रहे हैं, क्या बेस है? मैं आपको बताती हूं, आज इतनी गिर चुकी है, मैं आपको बताती हूं क्या बेस है, मैं आपको बताती हूं। आप जैसी जो जनता है, ब्रेक के बाद रागिनी नाइक जी मैं आऊंगी, आप मेरी तरफ मेरे मुझसे शुरू कीजिए, मैं आऊंगी, मैं बोल रही हूं आपको, प्रॉमिस कर रही हूं। ब्रेक के बाद फॉर लौट रहे कर्नाटक का किंग कौन लौट रहे, बात लिंगायत की भी होगी और रागिनी जी जवाब देंगी। ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। कर्नाटक का किंग कौन, एक बार फिर से हल्ला बोल में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं टक्कर जीवीएल नरसिम्हा राव वर्सेस रागिनी नायक। लेकिन इससे पहले कि दिलचस्प बातों की तरफ बढ़े, कुछ दिलचस्प आंकड़े आपको दिखाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में चाहे जितना सोच लीजिए कि जात पात से ऊपर बढ़ जाएंगे और कुछ कर गुजरेंगे, देश बदल देंगे, लेकिन आज भी ये फैक्टर्स हैं चुनाव में। पार्टियां खेलती हैं ऐसे कार्ड, और एक नहीं हर पार्टी, चाहे वो कितना भी इससे मुकरे। और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पारंपरिक रूप से जो लिंगायत है, टिकट्स कितने दिए हैं इस बार। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 68 टिकट्स दिए हैं लिंगायत को। लिंगायत दो बड़े समुदाय वहां पर हैं हिंदुओं में, जिसमें लिंगायत है, वोकलिंगज है। लिंगायत पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ, वोकलिंगा जेडीएस के साथ, और इसीलिए लिंगायत पर इस बार हालांकि कांग्रेस ने भी कार्ड खेला है। अब हम आपको वोकलिंगा दिखा रहे हैं, 55 लेकिन जेडीएस थे। वोकलिंगस पारंपरिक रूप से जेडीएस की तरफ झुके रहते हैं, देवेगौड़ा साहब और कुमारस्वामी की तरफ। कुमारस्वामी जी इधर उधर खूब नजर घुमा रहे हैं, क्योंकि किंग मेकर बनने का पूरा सपना उनको लग रहा है इस बार सच होगा। एससी की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर लगभग आंकड़ा, हालांकि बीजेपी सबसे आगे 37 के साथ, 37 टिकट एससी को दिए हैं कांग्रेस ने, 35 और 31 जेडीएस ने। और एससी के बाद हम आपको एक एक करके सब जल्दी जल्दी दिखा देते हैं जरा। कुर्बा जो है वहां पर 6 बीजेपी के, और इधर जो सिद्धारमैया जो है और उनके 17 सीटें, यानी यहां पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि किधर झुकाव है किस पार्टी का। अपनी अपनी तबीयत के हिसाब से, वोट के हिसाब से, मौसम बादल, सब मौसम वैज्ञानिक, जात वैज्ञानिक भी इस देश में बन जाती है पार्टियां। ब्राह्मण 9-6-3 सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ से। मुस्लिम अब इस पर क्या कहा जाए, 0 बीजेपी, 17 कांग्रेस, 16-19 जेडीएस। ये जो जीरो है सर, आपने कहा था ये जो हसीन करेंगी, ये जो हसीन शून्य है आपके लिए अच्छा सवाल है ये। ये जो हसीन शून्य है जो उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक पहुंचा है, हम कोटा सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। अरे सर कहां, बाकी भी सब कोटा करते हैं। अंजना जी हमारे पास तो सब कोटा ही कोटा है, जीतने के आधार पर देते हैं। अंजना जी हमारे कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है। देखिए जब जनता मन बना लेती है ना, तो उसको कितने ही वर्गों में, कितने ही भागों में बांटकर दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कर्नाटक की जनता और देश की जनता कह रही है कि मोदी जी हम आपको क्यों वोट दें, महंगाई की मार पर, किसानों के छिनते अधिकार पर, बेरोजगार पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ पर, महिलाओं से होते दुराचार पर, महंगाई की मार पर, पेट्रोल के डीजल की बढ़ती कीमतों पर, किस लिए वोट दिया जाए मोदी जी को, ये बड़ा सवाल हो गया है। लेकिन और आपने जो अध्यक्ष पद, अध्यक्ष पद की बात की, आप मुझे ये बता दीजिए, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, कौन सा इलेक्शन हुआ था, कौन चयन करता है आपके यहाँ? कांग्रेस में पूरी प्रक्रिया है, हर जिले में बने डेलीगेट, यदि चुनाव होता है तो चुनाव में वोट डालते हैं। सोनिया गांधी जी के सामने भी चुनाव हुआ था। यहाँ पर तो देश के साथ गद्दारी करने वाला संघ परिवार चलाता था, और अब अधिनायकवादी नेता मोदी जी बैठकर अपनी अपने हुक्म की तामील करवाते हैं। एक एक करके अब जनता के सवाल, जो जो सवाल पूछना चाहता है हाथ उठाइए, एक दो करके जल्दी जल्दी सवाल। जब
कर्नाटका के चुनाव है तो येदुरप्पा और सिद्धारमैया उससे गायब क्यों है? क्यों मोदी और राहुल जी के चेहरों पर वो राजनीति हो रही है? क्या आपका इंटेंशन क्या है, कर्नाटका का विकास या फिर आने वाले चुनाव 2019 के चुनाव पर प्रधानमंत्री पद के दावेदारी? देखिए शुरुआत हुई थी, सबसे अहम बात यह है कि पार्टी के शीर्ष नेता हर चुनाव में जाकर प्रचार करते हैं, लेकिन सिद्धारमैया जी पहले दिन से कर्नाटक के हीरो हैं, आज भी साबित हुए, सारे पोल ने दिखाया सीएम के नाम पर पहली चॉइस सिद्धारमैया जी हैं। परंतु दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ यह है कि भ्रष्टाचारी येदुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स के साथ हाथ मिलाने के बाद इन्होंने समझ लिया कि नैया तो डूब चुकी है, सिद्धारमैया जी के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, और इसीलिए मोदी जी को मैदान में उतारना पड़ा। लेकिन मोदी जी भी आज कितने घबराए हुए हैं, उनके हौसले भी कितने पस्त हैं, इसी से पता चलता है कि कहीं वो जिन्ना के जिन की बात करते हैं, कहीं अमित शाह कहते हैं कि सिद्धारमैया हिंदू है, कहीं कभी वो कहते हैं, एक मिनट एक मिनट, कभी कभी वो कहते हैं कि आप ये बताइए किस किस देश से आए हैं, कभी नामदार और कामदार की बात करते हैं। कर्नाटक के मुद्दे पर मोदी जी ने अगर एक सवाल का इतना लंबा जवाब होगा ना, सवाल बात कम ले पाएंगे, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रही हूं, छोटे छोटे थोड़े से जवाब करिए अपने अपने, ताकि जनता के ज्यादा से ज्यादा सवाल हो। मोदी उतरने पर मजबूर हुए या वो तो उतरते ही हैं हर जगह, राहुल गांधी तो नहीं उतरने पर मजबूर हुए, ये भी एक सवाल। राहुल गांधी सारी आप ये बताइए ना कि हर चुनाव से पहले कुछ खास मुद्दे क्यों याद आते हैं अंजना जी? ठीक है, क्यों ये कहा जाता है कब्रिस्तान शमशान, क्यों कहा जाता है दिवाली रमजान, क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान में बम फूटेंगे, देश विकास पर बात करेगा या देश के भावनात्मक मुद्दों पर बात करेगा? इसमें मत उलझिए सर, एक बार सवाल जल्दी। सर तब से मोदी कह रहे कि राहुल गांधी को इस बात का घुमंड है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, सर क्या आपको घुमंड नहीं है? क्योंकि तब से आपने 10 बार कह दिया कि 11 सरकार हमारे नाम होगी और 12 सरकार अब हमारे नाम होने वाली है। अहंकार की बीमारी तो सबको है। बिल्कुल अच्छा, नहीं नहीं सवाल सवाल नहीं सवाल सी जन सी हम ये इसमें विश्वास ही नहीं करते हैं। सत्ता का सुन मुझे आप बीच में मत बोलिए, आप रागी सत्ता का अहंकार है। कर्नाटक का किंग कौन, किंग शहजादा, अरे दिल्ली हारे, के शब्द पंजाब हारे, इस्तेमाल करती है, बिहार हारे, हम केवल सेवा, मणिपुर भी हारे, हमारे लिए कर्मयोगी सरकार बनाई योगी, अब कर्मयोगी सेवा की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं किसी तरीके से जोड़ तोड़ कर शहजादा किसी भी चढ़ पाए, लेकिन होने नहीं वाला है, आपसे ना हो पाएगा। मुझे लगता है कि अब आप सारे सवाल आप लोग रागिनी जी से पूछिए, क्योंकि उनसे भी पूछा जाए जवाब वही देती हैं। अगली बार लेकिन एक नियम बनाते हैं, जब दोनों एक साथ बोलेंगे सब लोग खड़े हो जाइएगा, ताकि ये चुप हो जाए और एक एक करके जिससे सवाल पूछा जाए वही बोले, जनता की चलेगी नेताओं की नहीं। अगला सवाल। जी सर, सवाल मेरा आपसे है सर, कुछ 2014 का इलेक्शन हुआ था तो मोदी जी ने कहा था कि आप मुझे देश का चौकीदार बनाइए, मैं देश पे पंजा नहीं पड़ने दूंगा। 2014 के बाद लगभग 4 बार पंजे पड़ चुका है, लगभग 36,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। नहीं हुआ, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, विजय माल्या नीरव मोदी का लेकर सर, बिल्कुल गलत, एक भी नहीं हुआ। जो भागे उनको वापस लाने के लिए हमने ऑर्डिनेंस किया है, हमने बिल बनाया, ये सब चोरी चोरी कराने वाले कांग्रेस है। आपने तो भागते भूत की लंगोटी भी नहीं पकड़ी, चोरी के साथ भूत की लंगोटी भी नहीं पकड़ी। अब बैठ जाइए क्योंकि कैमरे के आगे आ गए आप लोग। आई विल जॉइन यू, जल्दी से बैठिए, अब एक एक करके जवाब दीजिए। भागते भूत की लंगोटी तो पकड़ लेते हैं, करप्शन का सवाल, बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार पर कोई आरोप तक नहीं है, जो भागे हैं इसलिए भागे हैं क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कांग्रेस सत्ता में होती ये राहुल गांधी के बगल में बैठ के सत्ता चलाते होते। हो गया ये नया सरकार बन गई, मोदी जी कहीं सीबीएसई के पर्चे लीक हो रहे हैं, कहीं जो भागे हैं कहीं निजी डेटा लीक हो रहा है, आप कह रहे हैं कोई आरोप ही नहीं है सरकार पे। अरे देखिए अंजना जी, ऐसा था ना, गुजरात तो अंधे थे, ये गांधारी बन के खुद आंखों पे पट्टी बांधना चाहते हैं, अब कोई क्या करेगा? आपकी माता बोलिए, मैं जवाब नहीं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। जो भागे हैं उनको वापस लाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, हम फिजिटिव्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, इनकी तरह बचाते नहीं हैं। दाऊद इब्राहिम कहाँ गए, कहाँ गए दाऊद इब्राहिम? मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है, आप लोग एक बात पे अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं कि 2014 से आप लोगों ने $160 मिलियन का FDI लेके आए हैं देश में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा है, उससे किसान गरीब किसानों को क्या फायदा है, ये आज तक किसी डेटा में आप लोगों ने रिवील नहीं किया। साल में 70 लाख जॉब्स फॉर्मल सेक्टर में मिल रहे हैं, 70 लाख जॉब। अरे जॉब की तो बात मत करिए, पकड़े जाते हैं सेक्टर में, जॉब की बात मत करिए, 2 करोड़ नौकरियां याद आएंगी ना, ये सारे जो नौजवान बैठे हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, छोटे छोटे सवाल मत बोलिए, नौकरी जो है
आदमी पीठ पे लात तो झेल लेता है, पेट पे लात नहीं झेलता। ऐसा है, इनको बोलने नहीं दूंगा बीच में, फिर सवाल इनको भी बोलने नहीं देंगे। हाँ नहीं, फिर सवाल इनसे पूछिए, मैं तो क्या कर सकती हूँ, जनता को कह दिया खड़े हो जाए, लेकिन ये गलत है। ऐसा है, चुनाव आएंगे और जाते रहेंगे, सब पार्टियां चुनाव लड़ती रहेंगी। फिलॉसफी हो गया सर, सवाल क्या? सवाल ऐसा है देश को चाहिए इसमें नरेंद्र मोदी की जरूरत है। सब लोगों 125 करोड़ जनता से आंदोलन है, मोदी का हाथ मजबूत। सवाल क्या है? ये मैसेज देना था जनता को, संदेश थोड़ी, राष्ट्र के नाम संदेश नहीं हो रहा, सवाल जवाब हो रहा है। आओ, उसके बाद आप आ जाओ। मैम, मेरा सवाल मैम से है, रागिनी नायक जी से सवाल है। सुनिए, अब आपका सवाल कोई नहीं सुनेगा तो क्या होगा, सुनिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर मुझे विश्वास है कि वो सीट लाएगी, तो विश्वास तो आपको उस समय भी नहीं था कि वो उपवास में रह के छोले भटूरे खाने जाएगी। बहुत अच्छा कहा। ये कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस कर दिया। एक मिनट, पहली बार रागिनी जी चुप हुई है। चुप नहीं, मैं तो हंस रही हूं कि कहां से कहां का तार इन्होंने कहां मिलाया। देखिए, उस दिन जो उपवास हुआ था, उस उपवास का एक समय सीमा थी। अब उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया कि जब महिलाएं, मैं भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो सर्गी करते हैं, उससे पहले खाना खाते हैं। अब आप ये कहें कि महात्मा गांधी ने नहीं करते हैं क्या? बताइए, आपने घर में माताओं को, बहनों को, सबको करते हुए देखा होगा। अब सुनिए, कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी जब उपवास करने के लिए बैठे तो क्या ये पूछा गया कि आपने जूस पी के शुरू किया था या बकरी का दूध पी के शुरू किया था? अरे, जो मुद्दा है जिस लिए उपवास रखा गया, इस देश में शांति के लिए, दलितों पर हो रहे आक्रमण को कम करने के लिए, हर 12 मिनट में दलित पर अत्याचार हो रहा है इस देश में, कहीं ऊना में चमड़ी उधेड़ी जा रही है, कहीं पर घोड़े पे चढ़ने पर मारा जा रहा है, कहीं पर अम्बेडकर की मूर्तियों को धराशायी किया जा रहा है, इसके खिलाफ उपवास रखा गया था। मूल भावना को समझिए, बार बार मुद्दा झूठ फैलाना बंद करिए, छोले भटूरे खाना झूठ है। एक सेकंड, क्या छोले भटूरे खाना झूठ है? दोनों प्रवक्ता से ये पूछना है, छोले भटूरे पे वो एक सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों से पूछ लेते हैं, ये छोले भटूरे वाला उपवास सही था? अगर आप मानते हैं सही तो हाथ उठा दीजिए। देखिए रागिनी जी, एक भी हाथ नहीं उठा। मैंने देखिए, आपके बातों के लिए तालियां बज रही है, तो आप ये आरोप भी नहीं लगा सकती कि आपने ऑडियंस में, मैंने ये कभी आरोप आज तक नहीं लगाया, हमेशा यही आरोप लगाते हैं। अंजना जी, मैंने ये आरोप कभी नहीं लगाया, मैं कभी एंकर पे डायरेक्ट आरोप नहीं लगाती, ना मैं ऑडियंस, ये जनता है, ये जब इसका दिल करता है ये ताली बजाती है, जब दिल करता है तब सवाल पूछती है। लेकिन बात ये है कि जाती रही भावना जैसी, चाहूंगी दोनों से हाँ मिक्स कर रही है मैडम, एक से पूछिए ना, सुनिए, घेरिए तो इनको। इसलिए पूछना चाहूंगी क्योंकि आप आपस में इतना लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इतना आरोप गढ़ रहे हैं, आप क्यों ना उस विषय पर बात करके या मिलकर हम काम करें, प्रदूषण है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसानों के बारे में इस प्रकार यदि हम बात करें तो शायद देश विकास की ओर बढ़े। इसका जवाब देना चाहूंगी अंजना जी, नहीं लेकिन चर्चा करना जवाब नहीं चाहते, दो लाइन ये जीवीएल जी बोलिए, नहीं संसद को चलने नहीं देते हैं, चर्चा नहीं होने देते हैं, इनका पूरा नकारात्मक राजनीति है, इनके चुनाव हारने के लिए, इनकी हार के लिए जनता का बदला लेना चाहते हैं। मेरी बारी है। देखिए, आप कह रहे हैं मदद और हाथ मिलाने की बात, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कर्नाटक में सूखा पड़ने के बाद मदद मांगी केंद्र से 15,000 करोड़ की, कर्नाटक को दिए गए 1400 करोड़, और महाराष्ट्र में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर नरेंद्र मोदी जी 8,000 करोड़ देते हैं। तो संघीय ढांचे पर जब खुद ही 6,000 करोड़, झूठ मत बोलिए, जब मोदी जी खुद ही इस तरीके का पक्षपात करते हैं, जब घर का मुखिया घर के सदस्यों के बीच में पक्षपात करता है, तो केवल उसको कोई अधिकार नहीं रह जाता है कि वो हाथ मिलाकर काम करे। आप इस देश को विकास के नहीं विनाश की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और जब जब आप ऐसा करेंगे कांग्रेस उसके बीच में सबसे बड़ा गतिरोध बनेगा। सवाल मेरा सवाल रागिनी मैम से है। मैम, राहुल गांधी जी ने हाल ही में कहा कि सभी अपनी बेटियों को बीजेपी की विधायकों से बचाएं, लेकिन कर्नाटका के चुनाव में ये एडीआर का सर्वे है कि कांग्रेस ने 26% कैंडिडेट ऐसे उतारे जिन पे सीरियस चार्जेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस, तो आपको नहीं लगता उनसे उनको भी जरूरत है कि वो भी सबकी बेटियों को अपने आप से बचाएं? देखिए, आज ये राहुल गांधी जी की बात नहीं है, इस देश में ये वास्तविकता बन गई है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि बेटी बचाओ का नारा असल में ये हो गया है भाजपा से बेटी बचाओ, और किस तरीके से उन्नाव से लेके कठुआ से लेके हर प्रदेश में, हरियाणा को क्या राहुल से बचाओ, आप व्यक्तिगत प्रहार करिए,
आप गलत बात बोलिए। मैं राहुल के खिलाफ जो आरोप मैं नरेंद्र मोदी जी की पत्नी के बारे में ऐसा नहीं बोलूंगी, मगर क्योंकि मैं महिला हूं, मैं महिला की इज्जत करती हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जरूर बोला होगा, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी की पत्नी और मां के बारे में नहीं बोलूंगी। नरेंद्र मोदी जी अपनी माता जी के पैर छूने से पहले 50 फोटोग्राफर को लेके जाते हैं, तब आपको पीड़ा नहीं होती? ये प्रदर्शन की राजनीति, ये ऑप्टिक्स की राजनीति बंद करिए और पर्सनल आरोप लगाना बंद करिए। बीजेपी का हिस्ट्री ज्योग्राफी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे हुए मंत्री 46% और 47% सीरियस क्रिमिनल चार्ज लेकर बैठे हुए हैं। सबसे पहली उंगली इनके ऊपर उठती है। आप सवाल से भाग रही, सवाल से भाग गई आप रागिनी। मैं भाग क्यों गई? मैंने कहा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी से मत बोलिए ना, मत बोलिए ना कि बीजेपी कैसे विधायक है। कि केंद्र सरकार में बलात्कारी निहाल चंद को क्यों बना के रखा था इतने समय तक? पूछिए ना, आपसे नहीं पूछिए, हमसे भी पूछिए ना। मैंने तो मैंने बोला जवाब कैसे देना है वो तो मेरी मर्जी है ना, या मैं आपके हिसाब से जवाब? नहीं, आप बीजेपी का आप हिस्ट्री ज्योग्राफी बताऊंगी बताऊंगी क्यों गलत काम हो रहा है। क्या पूरे देश में हो रहा है? पूरे देश में हो रहा है अंजना जी। आप एनसीआर ना थोड़ा मुश्किल है रागिनी जी, एनएचआरसी की रिपोर्ट निकाल लीजिए। क्या मजबूरी है कि 26% ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है? कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। चलिए, लेकिन यही बात दूसरे पक्ष से भी पूछनी चाहिए। और मुझे लगता है सबसे पहले सारे राजनीतिक दलों को इस बात पर हाथ मिलाना चाहिए जो महिला कह रही थी कि किसी भी तरीके से क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। अगला मैम, जिस तरह से कांग्रेस के इलेक्शन के हालत रही है, क्या ये कांग्रेस के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है? बिकॉज और कुछ बचा भी नहीं है, मुझे लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, बैठिए जवाब के साथ। अब इस सवाल का सामना कीजिए राजनी जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए ही लड़ता है, लेकिन कोई चुनाव अंतिम नहीं, कोई हार अंतिम नहीं, कोई जीत अंतिम नहीं। कांग्रेस के पास आज भी राज्य हैं, जैसे मैंने बताया था, सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष बनी तब केवल 3 प्रदेश में सरकार थी। एक समय ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सांसद थे। तो ये मान लेना कि एक चुनाव पर सब कुछ निर्भर करता है या एक चुनाव पर कुछ भी निर्भर नहीं करता, मैं इन दोनों पक्षों को गलत मानती हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी विकास को अपने मैनिफेस्टो को एजेंडा बनाकर इस चुनाव में उतरी है, और 15 तारीख को जब नतीजा आएगा तो जीत का सहरा हमारे सर बटेगा। अगर वो जीतते हैं और आप हारते हैं तो क्या ये हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी? क्योंकि एक सेकंड, अरे सर प्रभु हेलो, अरे लगातार आप बोल रहे हैं, बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है सर। ये ठीक नहीं, क्रॉस टॉक मत कीजिए किसी भी हमारे मेहमान से। जीवेल साहब, क्या अगर इसके बावजूद प्रधानमंत्री इतनी रैलियां कर रहे हैं और अभी तो और भी उन्होंने बढ़ा दी है, हार होती है तो ये हार होगी नरेंद्र मोदी की? यह हारने का सवाल ही नहीं है। ऐसे सवालों का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं जो काल्पनिक है। जो राहुल गांधी के लिए सवाल अच्छा हो सकता है, हमारे लिए 132 हारना बिल्कुल संभव नहीं है। 132 से ज्यादा सीट हम जीत रहे हैं। मुंगेरी लाल की सीट सबने कौन देख रहा है? और बारवां चुनाव हारने के बाद क्या राहुल गांधी को क्या असर होगा? ये सवाल उनसे पूछिए। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ अपने बूथ में अपने घर पर हार गए। देखिए, एक उनको सांप प्रचारक बनाया अपने कर्नाटक में। पूरे ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। माफ करिए सारे रानी, इसका ही सवाल होना चाहिए। 282 कमल खिलाए थे, 271 बचे हैं। एक सेकंड, 282 कमल खिलाए थे, 271 बचे हैं। कर्नाटक है, कर्नाटक है तो आपने मोदी जी और योगी जी को यूपी से ले आया। पहले तो हम देखते थे पूरे मंत्रीज का रोस्टर लगता था, इस बार योगी जी को हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं खुले में। अब देखिए, योगी जी हमारे पार्टी के एक राज्य के बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमारे सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है। बाकी मुख्यमंत्री भी क्यों हैं वो स्टार प्रचारक, बताइए। योगी जी क्यों ना जाए गोरखपुर में? योगी जी सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है। लड़कियों के ऊपर मीडिया लाठी चार्ज होता है, इसलिए स्टार प्रचारक है वो। मीडिया ये काउंटर करा देते हैं बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया के, इसलिए हीरो है वो। क्यों आप राजनीति जी से ज्यादा मुझे पर हमला कर रहे हैं? आपके स्टार प्रचारक बताइए, रागिनी जी से भी ज्यादा मुझ पर हमला कर रहे हैं। क्यों पूछा जाता है योगी जी प्रचार क्यों कर रहे हैं? आप क्यों पूछते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जिहाद का नाम क्यों लिया उन्होंने? क्या जरूरत है इस तरीके की बातचीत करने की? क्या यूपी के अचीवमेंट क्यों नहीं गिनाते? शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया पॉपुलर नहीं है?
ये जिहाद कहां से आया? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आपने अब छेड़ा है सर, तो फिर अब सवाल सुनिए। वसुंधरा राजे सिंधिया क्यों नहीं? शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं? कितने मुख्यमंत्री हैं आपके, वो क्यों नहीं? कहां जा रहे हैं सर? कहां दोनों गए हैं? जी गए हैं, आप नहीं देखा कर्नाटक? आपको योगी जी पर फोकस रहा है, आपका फोकस रहा है शिवराज जी के लेकिन साथ। लेकिन जिस तरह से योगी जी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन योगी जी को आप ज्यादा कवर करते हैं, हाँ। उन पर आपका ध्यान ज्यादा है। लीजिए अंजना जी, अब देख लीजिए मीडिया जो असली पहरेदार है, जो पहरुआ है, तो अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली परिस्थिति ला रहे हैं आप। देख लीजिए लोकतंत्र में मीडिया भी बर्दाश्त नहीं है आपको। अभी आपने एक ऑर्डर भी तो पास किया था ना मीडिया के खिलाफ, वही करना चाहते हैं ना आप? अब जीत जाएंगे और एक दो जगह तो यही करेंगे। ऐसा दिन यही सुकून का दिन होता है जब दोनों तरफ से आप पर गालियां बरसे, और ऐसा ही एक दिन है ये जब दोनों तरफ से गालियां बरस रही हैं और दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि तुम जिम्मेदार, तुम ये, तुम वो। बहरहाल जब भी ऐसा कोई पोल आता है जिसमें स्पष्ट बहुमत किसी एक को नहीं मिले तो दोनों तरफ से फायरिंग होती है और उसी दिन अपनी ताकत का एहसास होता है। चलिए 12 को लगातार कवरेज आप दिन भर देखेंगे क्योंकि उस दिन पोलिंग होनी है। 15 मई को ही 3 दिन बाद आ जाएंगे नतीजे और ये तय हो जाएगा कि 2019 की राह किसके लिए बन रही है आसान और किसके लिए मुश्किल। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए तालियों के साथ अपना शुक्रिया अदा कर लीजिए मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीवीएल नरसिम्हा राव और भी ऐसे दिलचस्प टक्कर रागिनी नायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।